हेलो, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। मैं उपासना, आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर चैट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए, बताया कि वो किस तरह साइबर हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि वो फिर से डिप्रेशन में चली जाएं, कुछ उनकी माँ यानी सोनी राजदान का रेप होने तक की बात कह रहे हैं। ये सारी चैट्स शेयर करने के साथ शाहीन ने बताया कि अब उन्होंने इन सबके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला ले लिया है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई सारे उन्होंने पोस्ट डाले, शुरुआत भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से की। लिखा, भारत महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सबसे खतरनाक देश माना जाता है। रेप भारत में होने वाला सबसे कॉमन क्राइम है। हर 15 मिनट में एक औरत का रेप होता है। भारत में 70% औरतें घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। हर 9 मिनट में किसी के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा औरत के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। हर तीसरी औरत घर पर यौन हिंसा या शारीरिक हिंसा का सामना करती है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने जो ग्लोबल यूथ ऑनलाइन बिहेवियरल सर्वे किया था, उसमें से 53% रिस्पोंडेंट के साथ भारत को साइबर बुलिंग के मामले में तीसरे नंबर पर रखा था। खास तौर पर बच्चों ने ऑनलाइन बुलिंग एक्सपीरियंस करने की बात कही थी। हर साल दुनिया भर में करीब 8 लाख लोग सुसाइड की वजह से मरते हैं। इनमें से 17% यानी 1,35,000 लोग भारत में रहने वाले होते हैं। इस पोस्ट के बाद शाहीन ने अगले पोस्ट में उन्हें आए मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स डाले। उन्हें मैसेज भेजने वालों में से एक ने लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी बहन की मौत डिप्रेशन से हो जाए, आपके पिता की मौत कैंसर से हो, आप लोगों के शव को चींटियां और सांप खाएं। शाहीन, कल्पना करो कि तुम दोबारा डिप्रेशन का शिकार हो रही हो, इस बार और भी बुरी तरह से। तुम बिस्तर से उठने के काबिल ना रहो, कुछ बोल ना पाओ। एक और व्यक्ति के मैसेज का स्क्रीनशॉट डाला, जिसने शाहीन और उनके परिवार के साथ हद से ज्यादा बुरा होने की बात कही। मैसेज में लिखा कि वो ये चाहता है कि शाहीन के परिवार का सारा पैसा, नाम और शौहरत खत्म हो जाए। इसी व्यक्ति ने शाहीन की माँ के लिए लिखा, आपकी माँ का रेप हो जाए। ऐसी और भी कई बातें कही जो हम बता नहीं सकते हैं आपको। एक और व्यक्ति ने शाहीन के रेप की भी बात कही। इन सबको शेयर करते हुए शाहीन ने अपनी स्टोरी के अगले पोस्ट में लिखा, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां लोगों को शक्तिहीन बनाने में ही दूसरे लोगों को मजा आता है। ऐसा देश जहां लोगों को उनकी औकात दिखाने में मजा आता है, और एक औरत को उसकी जगह बताने से बेहतर किसे बताया जा सकता है। एक ऐसा देश जहां लोगों को प्यार और सहानुभूति के साथ बड़ा करने की बजाय ज्यादातर लोगों को मुखर रूप से नफरत करने की अनुभूति के साथ बड़ा किया जाता है। ऐसा देश जहां ना केवल आदमी बल्कि औरतें भी किसी दूसरी औरत को स्लट बुला सकती हैं, और ये किसी औरत के लिए सबसे ज्यादा बुरा होता है। अगली स्लाइड में शाहीन लिखती हैं, क्योंकि किसी औरत को शक्तिहीन बनाने के लिए उसे औरत होने पर ही शर्मिंदा महसूस कराने से ज़्यादा बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। क्योंकि अगर वो एक औरत नहीं होती तो क्या उसका महत्व कम आंका जाता या उसे अपमानित महसूस कराया जाता? क्या रोज़ाना हिंसा की धमकी दी जाती? अगर वो औरत नहीं होती तो क्या यूं ही उसकी सुरक्षा उससे छीन ली जाती? आप देखिए, ये जीनियस है। आप उसका अपमान करते हैं, फिर भी आप उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि दिक्कत उसकी है, आपकी नहीं। इसके आगे की स्लाइड में शाहीन ने रेप के आंकड़ों पर दोबारा बात की। लिखा, और भी लोगों को इस बात की हैरानी होती है कि भारत में हर 15 मिनट पर एक औरत का रेप होता है। सच में क्यों? मैं तो नहीं हूं हैरान, लेकिन जैसे हैना गैट्सबी कहती हैं, शक्तिहीन हो जाने से आपकी इंसानियत खत्म नहीं होती, आपका लचीलापन आपकी इंसानियत है। केवल वही लोग अपनी इंसानियत खो देते हैं जिन्हें विश्वास होता है कि उनके पास किसी दूसरे व्यक्ति को शक्तिहीन बनाने का अधिकार है। वो लोग ही सबसे कमजोर होते हैं। आगे शाहीन लिखती है कि वो इस मुद्दे पर कई दिनों से बात करना चाह रही थी। पहले उन्हें लगता था कि इस पर बात करके वक्त क्यों ही जाया किया जाए, क्यों ही अपने दिमाग के प्रोसेस की शक्ति का 1% इस्तेमाल करके इस पर क्यों ही खर्च किया जाए, लेकिन फिर उन्होंने इस पर बात करने का फैसला किया।
क्यों किया? शाहीन ने कारण बताते हुए लिखा कि मैंने महसूस किया है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये दुनिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ औरतें सुरक्षित महसूस करें, जहाँ लगातार धमकी ना मिले, उन्हें सेक्सुअलाइज ना किया जाए, सेक्सिस्ट या स्त्री विरोधी बातों से उनका अपमान ना किया जाए। मैं चाहती हूँ कि औरतों को भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे बनाने के लिए मुझे मदद करनी है। ऐसी दुनिया बनाने के लिए मुझे खुद की ज़िंदगी में कुछ सीमाएं बनानी होंगी और एक्शन लेना होगा, फिर चाहे वो कितना ही खींच देने वाला या फिर समय लेने वाला क्यों ही ना हो। और अगली स्लाइड में शाहीन ने उन फैसलों और सीमाओं के बारे में बताया जिसका उन्होंने पिछली स्लाइड में जिक्र किया था। उन्होंने लिखा कि अब मैं उन लोगों से बात करने वाली हूँ जिन्हें लगता है कि वो मुझे या फिर किसी को भी नफरत भरे मैसेजेस आसानी से भेज सकते हैं। अगर आप मेरा अपमान करने, मुझे शर्मिंदा महसूस कराने या बुली करने की उम्मीद से कोई मैसेज भेजते हैं तो आगे जो लिखा है वो होगा। वो मैसेज या कमेंट्स पहले तो ब्लॉक किए जाएंगे, फिर इंस्टाग्राम से सीधे तौर पर उनकी शिकायत होगी। आप अपना प्राइवेसी का अधिकार खो देंगे। मैं आपकी पहचान की रक्षा नहीं करूंगी। हर भद्दा मैसेज जो आप मुझे भेजेंगे मैं उसे पोस्ट करूंगी। ये मैंने चुना है, हर कोई देखेगा। अब्यूजर्स की गुमनामी उनका हौसला बढ़ाती है। मैं आपको छिपे रहने में मदद नहीं करूंगी। मेरे पास जो भी कानूनी साधन मौजूद होंगे उनका इस्तेमाल करूंगी और एक्शन लूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके गुमनाम अकाउंट की वजह से आपको लोकेट नहीं किया जा सकता तो प्लीज़ दोबारा सोचिए, क्योंकि आईपी एड्रेस आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। आप गायब नहीं हैं। हैरेसमेंट एक अपराध है। इसके आगे उन्होंने एक और स्लाइड शेयर की अपनी स्टोरी में। उन्होंने इंस्टाग्राम से बात की, कहा कि महिलाओं के विरोध में जो बातें की जाती हैं उन्हें भी इंस्टाग्राम की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आना चाहिए। शाहीन ने लिखा, इंस्टाग्राम आपके पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ऐसे में स्त्री विरोधी या स्त्री के प्रति नफरत भरी जो बातें कही जाती हैं इंस्टाग्राम पर उन्हें भी इस पॉलिसी के तहत शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसे अब्यूजिव मैसेजेस नहीं चाहती हैं तो मैसेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन बंद कर दीजिए। अगर आप कमेंट्स में बी नहीं कहलाना चाहती तो कमेंट सेक्शन बंद कर दीजिए। मुझे कहा जा रहा है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के अपने तरीके को बदल दूं, वो भी किसी दूसरे की नफरत की वजह से। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि मैं रात में बाहर गई और मेरा असॉल्ट हो गया क्योंकि मैं ऐसा चाह रही थी। अगर कोई अब्यूजिव हो रहा है तो उसकी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बदलना चाहिए, उन्हें बदलना चाहिए, फुल स्टॉप। ये सारी बातें लिखकर शाहीन ने साफ कर दिया है कि अब अगर उन्हें कोई भद्दे या हैरेसमेंट भरे मैसेजेस भेजेगा तो उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन लेंगी। ये खबर यहीं तक है। देखने के लिए शुक्रिया। ये जो तमाम बातें हमने आपको बताई हैं, जो शाहीन ने लिखी हैं, उसके बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें।